नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानधारा हरसोली चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2019 के एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट के विषय में। तो आप में से जो लोग कर रहे हैं एग्ज़ाम का वेट, वो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में लिख दीजिए फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2019। देखते हैं आप में से कितने लोग कर रहे हैं वेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2019 की परीक्षा कब होने वाली है या जुलाई जो प्रस्तावित डेट है उसमें होगी या नहीं होगी, तो आपके काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं इनमें से परीक्षा तिथि को लेकर भी असमंजस है। अगली जो सबसे बड़ा असमंजस है वो है कि क्या पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, या फिर दोबारा से विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा। तो इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए जुड़े रहिए हमारे आज की इस वीडियो के साथ में। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आरपीएससी यूपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स। तो अब प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा आपका पहला ही क्वेश्चन था कि क्या एग्ज़ाम जुलाई प्रस्तावित डेट को होगा या नहीं होगा, तो इसको समाधान क्लियर कर देते हैं हम आपका कि बिल्कुल जुलाई में ही निश्चित होगा। इसका बड़ा कारण है ये प्रेस नोट, जिसमें आरपीएससी ने अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए स्कूलों से परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट मांग ली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 15 जुलाई से 19 जुलाई एवं 22 जुलाई से फिर 25 जुलाई तक इस परीक्षा को आयोजित किया जाना निश्चित किया गया है। इसके लिए सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो एक ही पारी में प्रातः 9 से 10:30 बजे तक, तथा ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्र जो है वो 9 से और 12 बजे तक और 2 से 5 बजे तक दो पारियों में कंडक्ट किए जाने, इसके लिए परीक्षा केंद्रों से सहमति मांगी गई है। तो अब स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षा तो अपने निर्धारित तिथि पर ही होने वाली है। ये देखिए, इस लेटर में स्पष्ट रूप से संस्था का पूरा नाम मैं लोकेशन मांग लिया गया है, संस्था का टेलीफोन नंबर मांग लिया गया है, संस्था गवर्नमेंट है या प्राइवेट है इसकी सूचना भी मांग ली गई है, और ग्रुप दो ग्रुपों में डिवाइड करके और स्कूल की सूचना मांगी गई है। ये आप जैसा देख पा रहे हैं कि कुल कितने परीक्षार्थियों की परीक्षा इसमें आयोजित कराई जा सकती है, अर्थात फर्स्ट पारी में कितने परीक्षार्थी आ सकते हैं, सेकंड पारी में कितने, डेट वाइज इसकी सूचना आरपीएससी ने परीक्षा केंद्रों से मांग ली है। ये देखिए, दो ग्रुपों में इसको डिवाइड कर रखा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो दोनों ग्रुपों में ये डेट वाइज परीक्षा केंद्र परीक्षा के 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने परीक्षार्थी आपके सेंटर में आ सकते हैं, 16 को कितने, 17 को कितने, 18, 19 को कितने, इसके बाद 22, 23, 24 और 25, इन सभी डेट वाइज जो सब्जेक्ट वाइज पेपर होंगे इनमें कितनी परीक्षार्थियों को इस सेंटर पर परीक्षा दिलाई जा सकती है, इसकी सूचना परीक्षा केंद्रों से आरपीएससी ने मांग ली है। आपको बता दें कि पूरी संभावना थी कि जून के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हमने जैसा कि पिछले 4 जून को जो वीडियो डाली थी उसमें हमने आपको क्लियर स्पष्ट कह दिया था कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसका बड़ा कारण यही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट पर यही दबाव आया है कि स्टेटों में आपकी सरकार होते हुए आपने बेरोजगारों को भी नाखुश रखा है, ये हार का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसीलिए अब इसी के चलते ये परीक्षा बिल्कुल तय समय पर किया जाना निश्चित किया गया है। इसलिए आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई में जुट जाएं, किसी भी प्रकार के कोई भी आश्वासन पर न रहें, न भ्रामक प्रचारों से भी सावधान रहें। परीक्षा तिथि जो फर्स्ट ग्रेड की वो 15 जुलाई प्रस्तावित है, परीक्षा भी इसी तिथि पर होगी। इसमें आगे हम देख भी सकते हैं बिल्कुल जो फर्नीचर वगैरह व्यवस्था है उस सब की सूचना मांग ली गई है। इस प्रेस नोट के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि परीक्षा आगे जाएगी, एक्सटेंड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी नियत तिथि पर परीक्षा होगी, तैयारी अपनी जारी रखें, और फिर भी इससे संबंधित कोई लेटेस्ट सूचना मिलेगी तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञानधारा हरसोली चैनल के साथ में। नमस्कार।
सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।